दो अदद एंटी पर्सनल माइंस निकले और 11 अदद जो है ना उसमें AGL ग्रेनेड और 11 अदद जो है ना इलेक्ट्रिक डेटोनेटर उसमें बरामद हुए। जो अदालत हाजा ने आज इस मोर्खा पे इनको डिस्ट्रॉय का हुक्म सादर किया। और शहरियों के पास 15 का नंबर भी है, मुतलका थाना कोई भी हो, किसी मुतलके थाने से वो इतला, उनके नंबर तकरीबन हर इलाके के अपने थानों के नंबर उनके पास होते हैं, साइन बोर्ड हर जगह पे लगे होते हैं, जहाँ पे भी उनके दूध होते हैं तो थाने के नंबर उन्हीं इन पे बोर्डों पे लिखे होते हैं। और 15 का तो आम रूटीन पे हर किसी के पास वो डायल करे तो मतलब इसकी इतला वो दे सकता है और इतला पाती इंशाल्लाह ये टीमें तैयार होती हैं और बर वक्त वो मौके पर जाकर जो भी मसला होता है उसको मतलब वो सॉल्व कर लेंगे। आज जो ये बारूदी मवाद तल्फ करें, ये टांग सदर थाना शहीद मुरीद अकबर का माल मुकदमा है और ये चंद रोज़ पहले टांग टीम को इतला मिली थी अशबरी में, जब BDS टीम ने उस इलाके का और उस मशकूक चीज़ों का मुआयना किया तो उसमें दो अदद एंटी पर्सनल माइंस निकले और 11 अदद जो है ना उसमें AGL ग्रेनेड और 11 अदद जो है ना इलेक्ट्रिक डेटोनेटर उसमें बरामद हुए। जो अदालत हाजा ने आज इस मोर्खा पे इनको डिस्ट्रॉय का हुक्म सादर किया और आज जो है ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पुलिस हर जगह पे नहीं पहुंच सकती और हमारी आवाम हमारी आंखें हैं और वो हमारे कान हैं। जब वो अपनी जगह पे ऐसी कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो फिलफौर जब इतला में देते हैं तो उसका यही फ़ायदा होता है कि अवामुल नास और मुल्क की जान और माल, लोगों की जान और माल की हिफाजत इसी तरह होगी कि हम एक दूसरे साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और एक दूसरे को इसी तरह किसी चीज़ की भी कोई भी मशकूक चीज़ हो तो इसी तरह बर वक्त इतला देंगे तो इतनी बड़ी मुसीबतों से इंशाल्लाह हम बच सकते हैं। तकरीबन ये बारूद अगर मिला के मैं देखूं तो ये कम से कम 5 kg बारूद बनता है, तो आप ख़ुद सोचें कि 5 kg जहाँ पे भी धमाका होता तो वो कितने बड़े पे नुकसान मतलब नुकसान करता। और शहरियों के पास 15 का नंबर भी है, मुतलका थाना कोई भी हो, किसी मुतलके थाने से वो इतला, उनके नंबर तकरीबन हर इलाके के अपने थानों के नंबर उनके पास होते हैं और 15 का तो आम रूटीन पे हर किसी के पास वो डायल करे तो मतलब इसकी इतला वो दे सकता है और इतला पाती इंशाल्लाह ये टीमें तैयार होती हैं और बर वक्त वो मौके पर जाकर जो भी मसला होता है उसको मतलब वो सॉल्व कर लेंगे।